कृष्णास किचन मंडल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए गोभी के पराठे। ये हम मैक्सिकन टच के साथ बना रहे हैं, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, रेसिपी पूरी देखिएगा, क्योंकि हम कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। एक पत्ता गोभी ली मीडियम साइज़ की, इसे अच्छे से कद्दूकस करके ले लिया हमने, ये देखिए। इसी के साथ में हमने प्याज लिए दो मीडियम साइज़ के, इन्हें अच्छे से बारीक कट करके ले लिया। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं इस रेसिपी में से। कश्मीरी लाल मिर्च, भुना जीरा, हरी मिर्च, अमचूर, लहसुन, करी पत्ता, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन, काला नमक, पिज़्ज़ा सीजनिंग ली उसके साथ में एक चम्मच हींग और नमक। ये हम मैक्सिकन फ्लेवर के साथ बना रहे हैं पराठे, तो इनको सबसे पहले हमने जो ये पत्ता गोभी लिए इसे नमक डालकर हम इसका पानी निकाल लेंगे। ये प्रोसेस फॉलो करने से जिन लोगों को पत्ता गोभी के खाने के बाद में ब्लोटिंग होती है वो परेशानी नहीं होगी, तो ब्लोटिंग से बचने के लिए इसका पानी निकाल देना चाहिए हमें पत्ता गोभी का। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम ये पराठे मैक्सिकन फ्लेवर्स के साथ बना रहे हैं, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, तो आप रेसिपी प्लीज़ पूरी देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए इसमें से पानी निकलने लग गया। अब इसे इसी तरीके से नीचे के सारा पानी निकाल लेंगे हम पत्ता गोभी का, और इसे अलग प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने सारा गोभी का पानी निकाल लिया, इतना पानी निकला इसमें से गोभी में से। इस पानी को हम फेंक देंगे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। एक पैन गरम कर लिया हमने, इसमें दो चम्मच के करीब हम तेल डाल रहे हैं। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ी अजवाइन अभी डालेंगे और थोड़ी रखेंगे। ये देखिए हमारी अजवाइन तड़कने लग गई। अब हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन को हमें गोल्डन होने तक पकाना है। इसी के साथ हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च कम तीखी वाली यूज़ की है हमने। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च ले सकते हैं। करी पत्ता, अगर आपके पास बेसिल लीव्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को हम अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, नहीं तो स्टील की कढ़ाई है, लग जाएगा। अब हम इसमें बाकी के सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे थोड़े थोड़े। एक चुटकी हींग डाल रहे हैं यहाँ पर हम इसमें। ये देखिए, और इन्हें फिर से अच्छे से मिला लेंगे हम। इसी के साथ हम बाकी के मसाले भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, और ये बची हुई अजवाइन जो है ये डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा। इसी के साथ हम यहाँ काला नमक डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच, क्योंकि हमने गोभी में भी नमक डाला था तो बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, और सादा नमक भी हम थोड़ा सा ही डाल रहे हैं यहाँ पर। आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा नमक। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा इसका पराठे का। एक चम्मच और आधा चम्मच यानी डेढ़ चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है यहाँ पर। इसी के साथ अमचूर पाउडर है आधा चम्मच, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे आधा से एक मिनट तक। जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे इसमें से बहुत अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रहे हैं। अगर आप
लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो पिज़्ज़ा सीजनिंग की जगह आप बेसिल लीव और ऑरेगानो लीव्स डाल सकते हैं जस्ट। अब हम इसमें गोभी ग्रेट कीवी ये डाल देंगे और इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी गोभी, तो इसी तरीके से चलाते रहना इसे हमें। इस तरीके से गोभी का पानी निकालने से ना तो गोभी के पराठे हमारे बहुत ज़्यादा गीले होंगे, स्टफिंग बहुत अच्छी रहेगी इसकी। तो एक बार ये रेसिपी आप इसी तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं मैक्सिकन टच देने के लिए। इसके लिए हमने एक चम्मच केचप लिया है, ये चिली टोमेटो केचप है। एक टेबलस्पून लिया है हमने और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गोभी के अंदर। इससे एक बहुत अच्छा सा टैंगी फ्लेवर आएगा पराठों के अंदर, तो आप इस तरीके से इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा इस रेसिपी में। अब ये सॉस अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें एक चम्मच, हमने एक बड़ा चम्मच भुना हुआ आटा लिया है यहाँ पर और ये ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने जो ये आटा यूज़ किया है इससे गोभी में एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, तो हमारे पराठे में जब हम स्टफिंग भरेंगे तो वो अलग से फैलेंगे नहीं, स्टफिंग फैलेगी नहीं, तो इसके लिए हमने ये बाइंडिंग के लिए डाला है। और इससे पराठों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम इसे एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो हमारा आटा भुना हुआ है लेकिन फिर भी हम इसे एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, इसे अब हम ठंडा कर लेंगे और पराठे बनाएंगे इसके। जैसे कि आपको पता है आज हम मैक्सिकन फ्लेवर के साथ में पराठा बना रहे हैं, तो हमने जो गेहूं का आटा गूंदा है इसके अंदर हमने दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके आटा लगाया है। आप भी इसी तरीके से आटा लगाइएगा। तो अब हम पराठे बनाएंगे। आटे का पेड़ा लेके ये देखिए इस तरीके से आज हम स्क्वायर शेप में पराठे बना रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं जैसा आपको पसंद है। ये देखिए बहुत इजीली बनके तैयार हो जाते हैं पराठे। स्टफिंग को बहुत अच्छे से फैला लेना है हमें, अगर हमारी स्टफिंग ठंडी नहीं होगी तो पराठे फटने लग जाएंगे, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो जाए तभी पराठों में फिल करनी है। इस तरीके से चारों तरफ से पैक करते हुए हमें पराठे बेल लेने हैं हल्के हाथ से। इस तरीके से फैलाने से पराठे फटते कम हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना हमें। ये देखिए हमारा पराठा बेल के तैयार हो चुका है। इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अगर आप घी खाना अवॉइड करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप घी को अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बिना घी तेल के भी सेक के आप पराठे खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो गर्मा गर्म पराठे तैयार है, इन्हें आप दही, अचार, सॉस, चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए और आप भी गर्मा गर्म पराठे खाइए और अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। जय श्री कृष्णा।